मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये जो मैंने फर्स्ट ब्लाउज दिखाया था, देखिए ये ब्लाउज मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसी का मैंने एक और डिज़ाइन, देखिए यहाँ पे मैंने ये जो डिज़ाइन बनाई हुई है, ये देखिए पीछे की साइड नीचे का, तो ये मैंने सिंपल में बनाया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए उसी का मैंने बनाया हुआ है, सेम वही है, वो बड़े में है और ये छोटे साइज की है। और देखिए इसका नीचे का मैंने जो बनाया हुआ है, ये नीचे का ये डिज़ाइन डाली हुई है, देखिए ये देखिए इसकी डिज़ाइन पड़ी हुई है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये सब सिंपल ही है, जैसे वो वाला बना है सिंपल ही बना है और इसमें डिज़ाइन डली हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी ये मैंने बनाया कैसे है, ये देखिए ये बनता ऐसे है, ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये पांच फंदों से शुरू होता है, पांच फंदे यहाँ पे बनेंगे, फिर दो इधर बुनाई होगा, दो इधर, और एक फंदा जो बीच का होगा उसमें हम तीन फंदे बनाएंगे, तीन तीन फंदे बनाएंगे और पीछे के साइड सी उल्टा बिना ही होगी, और इसको मैं हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ तक हो जाए। ये अपने नाप के हिसाब से जैसे लोग ब्लाउज सिलवाते हैं ऐसे ये भी बनता है, जब यहाँ तक बन जाएगा गिनने के बाद जब यहाँ तक बन जाएगी इतनी लाइन, फिर हमें यहाँ से ये ऊपर की पट्टी के लिए तीस फंदे लेने होंगे, देखिए ये तीस फंदे ये हमें लेना होगा, तीस फंदे इसमें हम डालेंगे, फिर उसकी पट्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दस लाइन बिननी होंगी, दस लाइन बुनाई करने के बाद फिर हम यहाँ पे तीस पट्टी लेंगे, तीस फंदे लेंगे, फिर ऐसे पट्टी बनाएंगे, ये देखिए कितनी लाइन की, एक दो तीन चार पाँच छः यानी बारह सलाई बुनाई होगी उल्टी सीधी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से जब पांच फंदे की बुनाई होगी, तो पांच फंदे से जब बुनाई होगी तो यहाँ से क्या करना है, पांच फंदे का होगा, फिर एक फंदे में तीन तीन फंदे यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे, फिर जब ये बढ़ के इतना फंदा हो जाएगा यहाँ तक हम बुन लेंगे, हम जितने साइज के हिसाब से बनानी होती है बन जाएगा, फिर यहाँ से एक एक फंदे घटते हुए जाएंगे यहाँ तक, ये भी आपको 21 लाइन बनानी होती है, 21 लाइन बना के फिर हमें क्या करना है, जब यहाँ पे 21 लाइन में हम आएंगे, फिर एक एक फंदे इस साइड बढ़ती चली जाएगी, एक एक फंदे, देखिए ये वी आकार का है, वी शेप का है, ये देखिए ये बैक साइड का है, वी शेप का है, जब एक एक फंदे बढ़ते चले जाएंगे तो जहाँ तक, जब देखिए कितना फंदा बढ़ के हमारा जाएगा कि यहाँ तक जितने फंदे थे मतलब स्टार्टिंग में यहाँ से घटते घटते इतने चले गए, आपको काउंट करके फिर उतना बढ़ाना भी है कि बढ़ के उतने ही फंदे आ जाएं, फिर यहाँ पे हमें 30 फंदे का पट्टी बनाना होगा, फिर यहाँ पे हमें ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए ये 10 लाइन कंप्लीट हुई है, यानी 20 सलाई बुनाई हुई, फिर उसके बाद 30 फंदे लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 30 फंदे लेके फिर इसको बुनाई करेंगे, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, उस साइड तो हम लोगों ने बढ़ाया था और इस साइड क्या करना है, तीन तीन फंदे घटते चले जाएंगे, तीन तीन फंदे की घटाई होगी, देखिए तब ये इस तरह का शेप बन के आएगा, ये देखिए ये देखिए, ये देखिए जब ऐसे शेप बन के आएगा, देखिए ऐसे, फिर यहाँ से हम गले के लिए बनाएंगे, ये सब हम प्रोसेस आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये बनाया हुआ है मैंने, तो मैंने दिखा दिया कि ये कैसे बनता है। फिर नीचे की पट्टी हमें बनानी होती है, वो 40 फंदे अपने हिसाब से लोग रखते हैं, जितनी उन लोग को नीचे तक पहनना हो, फुल पेट का या हाफ जैसे भी उन लोग को, और मैक्सिमम 40 फंदे ही रखे जाते हैं, और फिर 40 फंदे से देखिए इधर से जब
घटते हुए जाएगा। 40 फंदा है, घटते घटते हम 35 या 30 का ले जाते हैं यहाँ तक। फिर जब घट जाता है फिर पूरी पट्टी ऐसे ही बुनाई होती है सिंपल। फिर जब हम यहाँ तक आएंगे फिर उसके बाद एक एक फंदे बढ़ते हुए जाएंगे कि 40 फंदे हो जाएं। फिर उसकी सिलाई होती है, देखिए ये देखिए तिकोना है, ट्रायंगल शेप का बना हुआ है। देखिए ये आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए इधर से ये घटते हुए जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद पीछे का राउंड पूरा सिंपल ही कंप्लीट होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे जहाँ से हमारी ये बनी हुई है, उसके बाद यहाँ से एक एक फंदे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए इसकी, फिर यहाँ से पकड़ के पहले तब इसका गला बनेगा, ये सब बनेगा। फिर यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है कोने में ले जाके। फिर ऐसे से इसकी सिलाई करते हुए हमें जाना है लास्ट तक। फिर ये देखिए मैं उल्टे साइड से आप लोग को दिखाती हूँ इसकी सिलाई कैसे की है मैंने। ये देखिए ये यहाँ से सिलाई की गई हुई है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से। और आपको अगर नीचे पट्टी में कोई भी डिज़ाइन डालना है तो आप डाल सकती हैं। देखिए मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाली हुई है, इसमें बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी आती है, देखिए ये देखिए। इसमें मैंने फ्लावर की डिज़ाइन डाली हुई है, देखिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।